अचल कार्यालय बेलदौर के सामने अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले सोमवार को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किसानों के द्वारा ट्रैक्टर और फारी के साथ जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता शैलेंद्र वर्मा ने बताया कि हम लगातार किसानों के हित में किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। और वहीं उन्होंने हमारे संवाददाता सुमलेश कुमार यादव को बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक वे लोग चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि अचल पंजी 2 केवाला एवं लगाव रसीद के आधार पर गैर मजरुआ खास बकास एवं सर्वस्ता खेसरा और रियती घोषित करते हुए जमीन खरीद बिक्री तथा अतन लगान और रसीद काटने पर लगी रोक को हटाया जाए। गैर मजरुआ खास बकास और सर्वस्ता खेसरा की सुनवाई अंचल स्थल पर एवं पंजी 2 से डेटाबेस की गड़बड़ी को सुधारने के लिए मौजूद स्तर पर शिविर लगाकर समस्या को हल किया जाए। आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या सब मांग है? यहाँ तो मांग बड़ा स्पष्ट है और बहुत ही जायज है। यहाँ इस प्रखंड के 11 मौजे को की पूरी जमीन को वो बिहार सरकार बना दिया गया है, जबकि वो लोग आज़ादी के बाद 75 साल हो गया और वो आज़ादी के पहले से उस जमीन की जोताबाद कर रहे हैं। और ये नया सर्वे विभाग जो आया है, जिस जमीन का रसीद कट रहा है बरसों से, उस जमीन को भी वो बिहार सरकार घोषित कर रहा है। और इस तरह किसानों के एक विशाल हिस्से को जमीन से बदर कर देने की पूरी साजिश चल रही है। और ये साजिश शुरू ही है, अब ज़्यादा प्रचंड रूप से सामने आई है, जब सरकार का इरादा लैंड बैंक बनाने का हो गया है। ये सर्वे भारत सरकार के खर्चे पर चल रहा है और मोदी गवर्नमेंट का तो मकसद ही है किसानों को जमीन से बेदखल कराना और कॉरपोरेटों को जमीन सौंप देना। और ये सर्वे के जरिए ऐसी जमीन है जो सरकारी लापरवाही के चलते, लाल फीताशाही के चलते या जमींदारी काल से लेकर के अभी तक इस जमीन की जो पैमाइश होनी चाहिए थी कायदे से, रैयतों का जो नाम उसमें डालना चाहिए था वो डालने के बजाय वो उसको उसी तरह छोड़ दिया गया और ज़मीन का रसीद भी काट दिया गया। यहाँ तक कि पर्चा जिन जमीन का दे दिया गया उसका भी सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसी मांग क्या है? मैन मांग है कि समूचे जमीन जिसको आप बिहार सरकार बना दिए हैं, जो जमीन उसको बरसों से जोत आबाद कर रहे हैं किसान, उनके नाम से ये खाते बनाए जाए और उनकी जमीन को रैयती घोषित किया जाए। ये सबसे डिमांड है। और ये 75 साल में अगर नहीं हुआ है किसी सरकारों से, तो अभी सरकार इसको पूरा करे, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या में किसान, और जैसा कि साथियों ने बताया कि ये जिला के दूसरे हिस्सों में भी इस तरह के केस हैं, तो इतनी पूरी आबादी को ये ज़मीन से बदर करके आखिरकार क्या करना चाहते हैं? ये सारे लोगों को यतीम बना देना चाहते हैं? ये वो अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। और इस आंदोलन का यही उद्घोष है कि ज़मीन किसानों के हाथ में रहेगी, किसानों की रहेगी, खाते जिनको बनाना है वो बनाएं। फिर भी हम बिहार सरकार से और सर्वे डिपार्टमेंट से यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर तत्काल कदम उठा करके किसानों के नाम जमीन किया जाए और उन्हें इस परेशानी और बदहाली से बचाया जाए। आपका परिचय? मेरा नाम शिव सागर शर्मा, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय किसान महासभा। बैठक समाप्ति के बाद आप लोग ज्ञापन सौंपे तो क्या सब आश्वासन मिला? देखिए, ज्ञापन सौंपे कोई पदाधिकारी नहीं है, न अंचल में अंचल अधिकारी है और न सर्वे ऑफिस में सर्वे पदाधिकारी है। किरानी को बैठा करके ये चला गया, तो किरानी के हाथ में हम दे के चलाए, लेकिन किसान का इससे गुस्सा बढ़ा है। आज के ट्रैक्टर फार के साथ जो रैली हुआ, इससे किसानों का गुस्सा बढ़ा है। जब पदाधिकारी दफ्तर में नहीं मिलेंगे तो हम लोग रोड पर मरेंगे, पदाधिकारी को आना पड़ेगा। हमारे राष्ट्र उपाध्यक्ष, हमारे जिले के नेता, हमारे केंद्र के नेता हमें इस आंदोलन को मदद करने के लिए तैयार है। हमारी मांग है गैर मजरुआ खास बकास सर्वस्ता खसरा को रैयत घोषित करो, नहीं तो इनकलाफ जिंदाबाद जारी रहेगा। आपका परिचय सर? शैलेंद्र कुमार वर्मा, अखिल भारतीय किसान महासभा, जिला संयोजक।